नमस्कार, बॉलीवुड ठिकाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे शोज़ देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स हमें भेजते हैं, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज बॉलीवुड ठिकाना की क्लासिक किस्से में मैं लेकर हाजिर हुई हूँ आपके लिए फ़िल्म मुकद्दर का सिकंदर के कुछ अननोन फैक्ट्स। फिल्म तो खैर सभी को मालूम है, सभी को उसके डायलॉग्स तक याद हैं, लेकिन फिल्म बनने के दौरान पीछे क्या घटनाएं घटी, क्या हुआ, ये सब हम आपको आज बताएंगे। क्लासिक किस्से में बात कर रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की, जिसके निर्माता निर्देशक थे प्रकाश मेहरा, लिखा था उसे कादर खान साहब ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। स्टारकास्ट मल्टीकास्ट थी अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी, रेखा, अमजद खान, कादर खान, निरूपा रॉय और राम सेठी। आइए क्लासिक किस्से में बात करते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के। दरअसल हुआ यूं कि यूं तो सीन्स जो होते हैं जिसमें थोड़ा सा एक्शन होता है, चोट लगने की संभावना होती है, उसे बड़े ध्यान से किया जाता है, लेकिन कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। ऐसा ही हुआ फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के एक सीन में, जिसमें अमिताभ बच्चन को एक ग्लास जो है, कांच का ग्लास, विनोद खन्ना के ऊपर फेंकना था। अब वो कांच का ग्लास अमिताभ ने जब फेंका तो वाकई में वो विनोद खन्ना के चिन्ह पर जाके लगा और उसमें फाइनली उन्हें 5-6 स्टिचेस भी लगवाने पड़े। हालांकि जानबूझकर तो ये नहीं किया गया होगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है एक्शन सीन्स में ऐसे रियल एक्टिविटीज़। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सुपरस्टार्स। दोनों ने अपने ज़माने में वो स्टार्डम देखा है जो आज के कलाकार भी नहीं देख पाते। इतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी और उन्होंने फिल्में भी बहुत ही बढ़िया दी। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने साथ में की फिल्म परवरिश, अमर अकबर एंथोनी और ज़मीर, और मुकद्दर का सिकंदर की तो हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के बाद दोनों ने साथ में कोई फिल्में नहीं की, क्योंकि विनोद खन्ना चले गए थे ओशो के आश्रम में, कुछ समय तक उन्होंने भी ब्रेक ले लिया था। उसके बाद बहुत साल बाद विनोद खन्ना नज़र आए अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म प्लेयर्स में। 2012 में दोनों एक साथ नज़र आए। फिल्म में प्यारेलाल का रोल करने वाले थे असरानी, लेकिन जिस दिन शूट होना था, जिन दिनों इसका शेड्यूल चल रहा था, उन दिनों असरानी जो थे वो किसी और फिल्म के शूट में व्यस्त थे और बहुत तेज़ बारिश की वजह से वो लोकेशन पर नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में इमरजेंसी में प्रकाश मेहरा ने उनके जो असिस्टेंट थे राम सेठी, उनसे ये रोल करने के लिए कहा, और राम सेठी ने इस किरदार को इतना बखूबी निभाया कि मुकद्दर का सिकंदर के प्यारेलाल को लोग आज 30 साल बाद भी याद करते हैं। कुछ खबर है, हमारे पास कोई बैग था या नहीं? हमें अपनी खबर नहीं कि हम कहाँ हैं। फिल्म में प्रकाश मेहरा रेखा को लेना चाहते थे, लेकिन रेखा उन दिनों अब्रॉड में थी, शायद उनकी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थी, इसलिए वो शेड्यूल पर रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी, नहीं हाँ भर पा रही थी। तब प्रकाश मेहरा ने सोचा क्यों ना उनकी जगह किसी और को ले लिया जाए, और वो सोचने लगे कि रीना रॉय को कास्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही खबर रेखा तक पहुंची कि उनकी जगह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट रीना रॉय को लिया जा रहा है, तो रेखा तुरंत लौट आई और उन्होंने शेड्यूल को ज्वाइन कर लिया। रीना रॉय को प्रकाश मेहरा ने एक और मौका दिया, जिसमें रीना रॉय ने परवीन बॉबी को रिप्लेस किया फिल्म ज्वालामुखी में। फिल्म में एक बहुत ही दर्द भरा गाना था ओ साथी रे, जिसे अमिताभ बच्चन ने बखूबी निभाया। लेकिन इस गाने से पहले अमिताभ बच्चन की एक स्पीच थी, और जैसा हमने आपको बताया कि इस फिल्म को लिखा था कादर खान साहब ने, तो उन्होंने इसकी जो स्पीच थी उसे बहुत ही इमोशनल लिखा था, लेकिन वो स्पीच हो गई थी 16 पेज लंबी। अमिताभ ने प्रकाश मेहरा को कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल था 16 पेज को याद करके और उन्हें इनैक्ट करना, उसमें बहुत सारे इमोशनल एक्सप्रेशंस की ज़रूरत थी। बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। 16 पेज वाकई में याद करके बोलना और इस तरह के जिसमें इमोशंस हो, बहुत वेरिएशंस हो, बड़ा मुश्किल होता है। तो अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा से तो अपनी दुविधा कह दी, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी कादर खान साहब को सेट पे बुलाने के लिए।
गाड़ी कादर खान साहब को लेकर आई। उन्होंने वो स्क्रिप्ट देखी और उन्होंने कहा कि ये तुम बखूबी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं करके दिखाता हूँ, और कादर खान ने वो स्क्रिप्ट को इनएक्ट करके दिखाया, जिसमें अमिताभ, प्रकाश मेहरा और कादर खान खुद तीनों बहुत इमोशनल हो गए। देन अमिताभ ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने कहा लाइए अब मैं करता हूँ। और अमिताभ बच्चन ने वो स्क्रिप्ट कितनी बखूबी निभाई ये हम फिल्म देखते हैं तो पता चल जाता है। जो हमारे यहाँ हिस्टोरिक और बहुत ही क्लासिक्स मूवी हुई हैं, जिनमें एक थी देवदास। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर जो है वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित देवदास जो उपन्यास है उससे इंस्पायर्ड है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। और ये प्रकाश मेहरा का मॉडर्न आउटलुक है फिल्म देवदास के लिए। फिल्म में एक छोटा था थोड़ा सा अभिनय था मयूर राज का। मयूर की जो मम्मी थी वो शी वॉज हेल बेंट ऑन मयूर कि उन्हें किसी न किसी फिल्म में काम मिलना चाहिए। वो दिन रात इसी कोशिश में लगी रहती थी किसी तरह कोई प्रोड्यूसर, कोई प्रोडक्शन हाउस मयूर को अपनी किसी फिल्म में ले ले। ऐसे में वो क्या करती थी कि वो एज अ जर्नलिस्ट प्रोड्यूसर्स से और जो फिल्म निर्माता निर्देशक होते थे उनसे मिलती थी, और बात होने के बाद अपने बेटे मयूर की फ़ोटोग्राफ्स दिखाती थी और रिक्वेस्ट करती थी कि वो उन्हें अपनी फिल्म में ले ले। प्रकाश मेहरा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो इंटरव्यू लेने गई और उन्होंने वहाँ पर थोड़ी देर बातचीत होने के बाद अपने बेटे की फ़ोटोग्राफ्स उन्हें दिखाई। तब प्रकाश मेहरा को लगा कि इस फिल्म में डिमांड थी इसी तरह के एज के बच्चे की। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे बच्चे को मैं फिल्म में एंट्री देता हूँ। इसी तरह मयूर का आना हुआ फिल्मों में। हालांकि वो आगे जाके कुछ ज़्यादा फिल्में नहीं कर पाए, कोई इक्की दुक्की फिल्म में ही नज़र आए। इसी फिल्म की तरह मयूर ने आगे जाकर अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस में भी उनके बचपन का रोल निभाया था। प्रकाश मेहरा एक देवदास पर फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें उन्होंने लिया था अमिताभ बच्चन को, शर्मिला टैगोर को और हेमा मालिनी को। लेकिन वो फिल्म जैसी वो चाहते थे वैसी नहीं बन पा रही थी। तब वो कॉन्सेप्ट जो था वो उन्हें बहुत अपीलिंग लग रहा था और वो देवदास के साथ कुछ करना चाहते थे। तब उन्होंने बनाई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। इसका आइडिया आया, इसको उन्होंने कंसीव किया और फिर बनाई मुकद्दर का सिकंदर जिसमें देवदास का टच आता है। तो इस तरह प्रकाश मेहरा की जो इच्छा थी वो देवदास न बनकर मुकद्दर का सिकंदर में पूरी हुई। हर एक के अपने कारण होते हैं किसी फिल्म को करने के लिए। किसी को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है, तो किसी को अमाउंट बहुत पसंद आता है, तो कभी किसी का निर्देशक बहुत फेवरेट होता है। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर विनोद खन्ना ने किस लिए की? क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन जो थे वो सुपरस्टार थे। सुपरस्टारडम में उनके जो मुँह मांगी कीमत उन्हें मिलती थी। और जब विनोद खन्ना को पता चला कि प्रकाश मेहरा उन्हें उतना ही पैसा देने वाले हैं, तो विनोद खन्ना ने तुरंत मुकद्दर का सिकंदर करने के लिए हाँ भर दी। फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। इस गाने में अमिताभ बच्चन और राखी दोनों को दिखाया गया है, लेकिन जब ये शूट हुआ था तब दोनों साथ नहीं थे। इसमें अमिताभ बच्चन के साथ राखी की बॉडी डबल को शूट किया गया था क्योंकि राखी उस वक्त स्टूडियो में अवेलेबल नहीं थी। राखी के शॉट्स बाद में अलग से लिए गए और फिर उनको मिक्स करके एडिट किया गया और बना ये खूबसूरत गाना दिल तो है दिल। दोस्तों, क्लासिक किस्से में आज हमने बात की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के कुछ अननोन फैक्ट्स की। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। आप जो लिखते हैं वो हम पढ़ते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे साथ इतने साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमें खुशी होती है कि आप हमारे साथ इतने इन्वॉल्व हैं और हमारे सफ़र पर आप हमारे साथ हैं। इसी तरह साथ बनाए रखें और आज के लिए राजकुमारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।